स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आज बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए 2019 का वर्ष कैसा जाने वाला है। तो आइए चलिए चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको। न्यू लर्नर के लिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस राशि का भी सालाना, महीने का या रोज का राशिफल बताया जाता है, उस राशि लॉर्ड की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है उस जातक के लिए। धनु राशि के जातकों का लॉर्ड जो है इस वक्त द्वादश में विचरण कर रहा है, द्वादश भाव में। अब धनु राशि के जातकों के लिए जुपिटर का द्वादश भाव में विचरण क्या फल देगा, इसका सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है, यहाँ उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन द्वादश में होने के कुछ माइनस पॉइंट जरूर रहेंगे। धनु राशि के जातकों को इस साल बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आप इन चुनौतियों से निपटने में कामयाब रहेंगे और सफलता प्राप्त करने में भी कामयाब रहेंगे। प्रमोशन संबंधी मामला अगर अटका हुआ है तो उसमें कुछ अग्रगति या सफलता मिल जाने का योग आपको बनता है। व्यवसाय में इस वर्ष आपको अच्छा लाभ होने का योग बनता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ होने का योग बन रहा है, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। प्रेमी या प्रेमिका के साथ विवाद की संभावना बनती है, तर्क वितर्क से दूर रहने की कोशिश करें ऐसे मौकों पर आप। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, वो तो अमूमन सबके ही रहता है, तो विवाहित जीवन जो है वो केयरिंग की अपेक्षा रखता है हमेशा, क्योंकि हम विवाह के बाद एक दूसरे की केयरिंग कम कर देते हैं और यही शुरुआत होती है हर झगड़े के मूल में। यात्राओं में थकान आपको होगी और एजुकेशन सेक्टर में इस वर्ष आपको फायदा मिलेगा, यानी जो छात्र हैं उनके लिए ये साल अच्छा ही रहने वाला है। काम में व्यस्त रहने की वजह से परिवार से आपका ध्यान थोड़ा हट सकता है, लेकिन ध्यान रखें आप कि परिवार या पारिवारिक जीवन आपका प्रभावित ना हो जाए आपके वर्क प्रेशर से। परिवार में खुशियां रहेंगी इस वर्ष, रिश्ते नातेदारों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, यहाँ जुपिटर का द्वादश में होना मुख्य कारण आप समझ सकते हैं। सर्दी खांसी जैसे या जुकाम इत्यादि से आपको परेशानी, सर दर्द इत्यादि से आपको परेशानी हो सकती है। वाहन इस साल आप सावधानी से चलाएं। धन के मामले में फिर भी आप भाग्यशाली ही रहेंगे इस वर्ष। अचानक धन प्राप्ति के मामले में आपको लाभ हो सकता है या आपकी किस्मत खुल सकती है कह सकते हैं जैसे। चलिए हम जल्दी से देखें अब धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो जनवरी के महीने में सूर्य आपकी राशि से भ्रमण कर रहा है, अपने क्रोध को काबू में रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सूर्य भाग्येश होता है, सूर्य की ये स्थिति आपके लिए हालांकि लाभजनक और भाग्य की सहायता दिलाने वाली बन रही है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको सता सकती है। मंगल का चौथे भाव में विचरण करना संतान और शिक्षा संबंधी, प्रेम संबंधी मामलों में आपको तनाव दे सकता है, डोमेस्टिक लाइफ में तनाव दे सकता है, आपके कलीग आपके जूनियर आपके खिलाफ जा सकते हैं। बुध प्रथम भाव में होगा, दांपत्य जीवन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग का इंडिकेशन है ये। व्यवसाय में लाभ और पार्टनरशिप बॉन्डिंग इत्यादि काफी अच्छी स्थिति में रहेगी इस महीने। संतान संबंधी कुछ समस्या आपको सता सकती है। शनि का प्रथम भाव में होना आपको आलसी बनाता है, सावधान रहने की जरूरत है, आलस त्याग कर कर्म करने की जरूरत है, यानी कर्म में आपको इंटरेस्ट लेना, यानी काम में इंटरेस्ट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अष्टम का राहु अच्छा नहीं होता, आपके ऊपर मुश्किलें आ सकती हैं इस साल, लेकिन राहु की ये स्थिति मार्च तक ही रहेगी, उसके बाद परिवर्तन आ जाएगा। द्वितीय में केतु पैसे की कमी का इंडिकेशन देता है, लेकिन ये स्थिति भी मार्च में आपकी बदल जाएगी। धनु राशि फरवरी महीने में सूर्य द्वितीय भाव में,
धन का नुकसान आपको हो सकता है, उधार लेन देन से आप बचें। बुध का द्वितीय स्थान में भ्रमण रिश्ते नातेदारों के साथ संबंध, परिवार में उत्सव इत्यादि का योग बनाता है। शुक्र प्रथम भाव में खुशियां लग्जरी देगा आपको और विपरीत लिंग के व्यक्ति से आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। मार्च का महीना सूर्य तृतीय भाव में साहस की वृद्धि, नया पद प्रमोशन इत्यादि का योग बनाता है। छोटी और लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। शत्रु आपसे परास्त होंगे, यानी आपके साहस के आगे वो खड़े नहीं रह पाएंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा समय ये नहीं है। मंगल पंचम में होगा, आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं, आपको तर्क वितर्क से दूर रहना चाहिए। बुध का चौथे में गोचर शिक्षा के लिए अच्छा रहने वाला है। शुक्र द्वितीय भाव में होंगे, शुभ गोचर है, धन की प्राप्ति होगी। और राहु केतु दोनों इस महीने राशियां बदलेंगे। 23 मार्च के आसपास राहु मिथुन में आ जाएंगे और केतु आपके लग्न में यानी राशि में धनु राशि में आ जाएंगे। अप्रैल महीने में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में होंगे, आपके लिए कर्मस्थल पे आपको समस्या हो सकती है। डोमेस्टिक लाइफ में तनाव आ सकता है, पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। मामला मुकदमा वाद विवाद इत्यादि में हालांकि आपको सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करेंगे। बुध का तीसरे भाव में भ्रमण, छोटी यात्राओं से सफलता, कम्युनिकेशन के काम में सफलता आपको देता है। शुक्र भी तीसरे भाव में होंगे, छोटे भाई बहन आपके भाग्यशाली रहेंगे। इस वक्त आपको मदद भी उनसे मिलेगी, आप उत्साहित रहेंगे और हर काम को सफलता पूर्वक करने में कामयाब रहेंगे। सप्तम का राहु आपको दाम्पत्य जीवन में सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। पार्टनरशिप सोच समझ कर करें, ऐसा ना हो इस वक्त आपको ऐसा साझेदार मिल जाए जो आपके लिए जी का जंजाल बन जाए। केतु राशि में होगा इस वक्त धनु में प्रथम भाव में, तो केतु का ये गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या और दिशाहीनता जैसी स्थिति दे सकता है। व्यक्तिगत जीवन में अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए मई महीने की देखते हैं धनु राशि के जातकों का कैसा जाने वाला है। तो सूर्य पंचम भाव में भ्रमण करेंगे, सूर्य का ये गोचर अच्छा नहीं है, संतान संबंधी चिंता आपको सता सकती है, स्वास्थ्य आपका डिस्टर्ब हो सकता है, प्रेम संबंधों में समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल छठे भाव में शुभ गोचर रहेगा ये आपके लिए, शत्रु आपके परास्त होंगे, मामला मुकदमा में आपकी जीत होगी। चौथे भाव का शुक्र इस वक्त आपको लाभजनक स्थितियां बनाएगा। डेकोरेशन में आप वृद्धि कर सकते हैं घर की, यानी इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। जून का महीना सूर्यदेव छठे में होंगे, शुभ है आपके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु परास्त होंगे, लेकिन व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। मंगल सप्तम में होंगे इस वक्त इस महीने आपके लिए, और मंगल राहु एक साथ सप्तम में होने की वजह से इस महीने दाम्पत्य जीवन में आपको काफी सावधानी से डील करना है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में समस्या हो सकती है। बुध छठे में होंगे इस वक्त, शुभ गोचर रहेगा ये आपके लिए, वाद विवाद में विजयी रहेंगे। वकालत के पेशे में अगर आप हैं तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन रही है। शुक्र पंचम भाव में प्रेम संबंधों में सफलता दिलाएगा आपको। जुलाई का महीना देखते हैं, जुलाई में सूर्य सप्तम में होंगे, सप्तम में सूर्य पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित आप हो सकते हैं, समाज में आपके मान सम्मान पे असर पड़ सकता है, आपका पेट संबंधी कोई समस्या आपको सता सकती है, जीवन साथी के लिए ये समय अच्छा नहीं है। मंगल अष्टम में गोचर कर रहे होंगे इस महीने आपके लिए, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वाहन आप सावधानी से चलाएं, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। अष्टम में बुध का गोचर इस वक्त आपको हालांकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधी लाभ देने का प्रॉमिस कर रहा है। सूर्य अष्टम में होंगे इस वक्त, गोचर शुभ नहीं आपके लिए अगस्त का महीने का,
आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, छोटे मोटे रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, सरकारी कर्मचारियों से आपको नुकसान हो सकता है, भाग्यहीनता आप अनुभव कर सकते हैं। बुध सप्तम में इस वक्त गोचर करेंगे, आपको सावधानी से डील करने की जरूरत है, किसी भी कागज में सिग्नेचर सोच समझ कर करें। अष्टम के शुक्र का गोचर इस वक्त आपके लिए शुभ रहेगा, आसपास का वातावरण आपके फेवर में रहने वाला है, किसी से लोन ले सकते हैं आप इस वक्त। सितंबर के महीने में सूर्य देव नवम भाव में विचरण करेंगे, रिश्ते नातेदारों के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है, ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल नहीं है। मंगल भी नवम भाव में होंगे, सूर्य मंगल का ये योग हालांकि आपको भाग्यशाली बनाएगा, उच्च शिक्षा और शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत आपके पास आएगी, यानी कई लोग आपके नीचे काम करेंगे। बुध भी नवम में होंगे, आपको सोच समझकर काम करने की राय दी जाती है, धीरज के साथ अपने कामों में अग्रगति आप कीजिए। शुक्र का भी नवम भाव में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा इस वक्त, यानी चार ग्रह इस वक्त एक साथ रहेंगे आपके नवम भाव में, रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अक्टूबर के महीने में सूर्यदेव दशम में होंगे, कार्य सिद्धि होगी, सम्मान वृद्धि होगी, पद प्राप्ति होगी, सभी मामलों में ये महीना यानी सूर्य आपको फायदा देगा, राज्यों की सृष्टि कर रहा है ये इस वक्त आपके लिए। अगर सूर्य की महादशा भी आपकी या अंतरदशा चल रही है तो आप ज्यादा लाभवान रहेंगे। मंगल भी दशम में होंगे, आपको निरंकुश बनाएंगे, ये मंगल दशम का मंगल आपको निरंकुश बना सकता है, आपको अपने व्यवहार पे ध्यान रखना चाहिए। बुध का एकादश में गोचर संतान संबंधी लाभ यानी संतान प्राप्ति का योग बनाता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि करता है। शुक्र भी दशम में होंगे, आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं, अचानक प्राप्ति से वंचित हो सकते हैं आप। चलिए नवंबर के महीने में देखते हैं, सूर्यदेव 11वें भाव में भ्रमण करेंगे, प्राप्ति सफलता में आपको कोई कमी नहीं रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पदोन्नति होने का योग बनता है आपके लिए। बुध का द्वादश भाव में भ्रमण दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आपके लिए ला सकता है। शुक्र भी द्वादश भाव में होंगे जो आपके लिए खर्च की अधिकता का इंगित है। चलिए धनु राशि का दिसंबर का देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो दिसंबर का महीना आपके लिए भ्रमण कराने वाला, लेकिन यूजलेस भ्रमण हो सकता है आपका, खर्च की अधिकता हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है अनचाही जगह पर। मंगल एकादश भाव में विचरण करेंगे इस वक्त, जो आपके लिए फायदेमंद स्थिति है, संतान प्रेम इत्यादि मामलों में और अचानक धन प्राप्ति के मामले में भाग्यशाली आप रहने वाले हैं। शुक्र राशि में होगा, धन प्राप्ति के मामले में आपके लिए बेहतरीन स्थिति बन रही है, उत्साह की वृद्धि होगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा सामाजिक स्टेटस में। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए 2019 के वर्ष का वर्षफल। इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मकर राशि के फल को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।